गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 22 ऑफ जन। यस, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के टाइम, अभी 4:30 हो रहा है और मैं जस्ट आधे घंटे पहले मैं शावर लेके अभी बाहर आई हूँ और खुशी जो है वहाँ पे सो रही है। और एक्चुअली ना आज मैं ब्लॉग करने का कोई मूड नहीं था, फिर सोच रही हूँ नहीं अभी अगर टाइम है तो मैं कर ही लूँ। और खुशी का जो आज थोड़ा हेल्थ थोड़ा सा उसका ठीक नहीं है आज, क्योंकि उसके ना थोड़ा सा कॉफ एंड कोल्ड हो गया है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, अब बाहर से देख के समझ में नहीं आता कि उसे ठंड लग रहा है या नहीं, बट मैं तो कोशिश करती हूँ कि उसे पूरे अच्छी तरीके से अच्छे से रख पाऊँ, बट फिर भी से ना पता नहीं कब उसे ठंड लग गया, अंदर में अच्छे से उसका ठंड बैठ गया है। सो सुबह आज सुबह ना तो 4 बजे करीब, हाँ 4 बजे करीब ना बहुत उसका क्या बोले खोखता है ना, काशी जो बोलते हैं, खोखी जो बोलते हैं, तो खोखते खोखते ना पूरा वॉमिटिंग कर दिया। और वॉमिटिंग में पूरा कॉफ, सिर्फ कॉफ था एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग किया था वही मिल्क था, हाँ मिल्क एंड कॉफ सिर्फ वही निकला। तो इतना ज़्यादा कॉफ निकला, फिर 4 बजे मैं अच्छे से उसे सरसों तेल से यहाँ पे चेस्ट में नाक में हमेशा तेल लगा के, फिर विक्स बेबी रब था वो लगा के, फिर वो 6 बजे करीब सोई है। सो अभी दोपहर में भी अच्छे से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो होता ही है ना, हम बड़ों को भी ऐसा होता है। सो मैं सवाल लेके अभी आई हूँ और मैं अभी तक लंच भी नहीं की हूँ, तो लंच करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मेरा ऊपर में कपड़ा सब है ना उसे लेके आऊँ, क्योंकि वेदर जो है उधर तो अभी चला जा रहा है, शाम हो गया जा रहा है ना, तो जो भी सूखा सूखा कपड़ा है ना वो भी थोड़ा सा तो भीजा भीजा टाइप हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ पहले कपड़े उठा के लाऊँ, उसके बाद कुछ खा लूँगी। और आज का जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था ना उसमें मैं 12 बजे खाई हूँ, सो आज उतना ज़्यादा भी भूख नहीं लगा है, बट क्या है ना एक टाइम पार हो जाने से खाने का मूड भी नहीं होता है। तो चलिए पहले चलते हैं, कपड़े उठा के लाती हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पे कपड़े उठाने के लिए। सो आप लोग भी सोचते हो ना, मैं हमेशा हर ब्लॉग में सिर्फ कपड़ा ही करते रहती हूँ। एक्चुअली ना मेरी ये ब्लॉग जो होता है ना ज़्यादातर डेली बेसिस का ऊपर ही होता है, जो मेरा डेली बेसिस का रूटीन में जो है ना लाइफ स्टाइल का, मैं ये मेरा जो है कपड़ा ये तो मेन है, तो ये तो मुझे दिखाना ही है ना। ये सारा कपड़ा अभी मैं उठा के रख दूँगी, जो आधा आधा सूखा है उसको मैं रूम में लेके जाऊँगी, जो पूरा भीजा है ना उसे मैं यहाँ पे बकेट में रख के ही जाऊँगी। इसका कारपेट को भी फोल्ड करके रखना है। और ऊपर मैं आई हूँ शाम के वक्त, तो यहाँ का व्यू भी मैं दिखाई देती हूँ। सो ऐसा है कुछ अभी का यहाँ का नज़ारा, ये देखिए एक बड़ा सा क्या बोलूँ, ये बादल बोलूँ या फॉग है, आई थिंक फॉग है, पर देख के लग रहा है नहीं बारिश होने वाला जैसा होता है ना मौसम, उस टाइप का ही है पूरा। ये देखिए काला हो गया है, दोपहर में अच्छा सा वो था क्या बोलूँ ब्लू कलर का स्काई दिख रहा था, बट अभी ना आप देख पा रहे हो क्या हाल है यहाँ का। सो एक बार व्यू भी दिखा देती हूँ, ये रहा अभी का नज़ारा। और यहाँ पे ना कुछ रास्ते में कुछ काम हो रहा है, शायद आपको नॉइस आ रहा होगा, सो आपको दिखा देती हूँ। वो रहा वहाँ पे कुछ काम हो रहा है मेरे होटल के सामने, तो वहाँ पे ना क्या है, जहाँ पे वो पीच दिखाई दे रहा है ना, जो रोड बन रहा है वो एक्चुअली रोड नहीं बन रहा है, रोड पहले से ठीक ही था, बट क्या है ना यहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी जो नए हमारे जो CM है वो अभी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे क्या क्या है बहुत मोटा मोटा पाइप अंदर में डाला है, ताकि किसी को पानी का प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जो यहाँ के लोकल अगर ये वीडियो कोई देख रहा हो तो उनको पता है कि यहाँ पे पानी हमेशा खरीद के ही चलाना पड़ता है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात,
ये शायद करने के बाद शायद किसी को पानी खरीदना ना हो, पानी खरीद के चलना नहीं होगा शायद, जैसा नॉर्मल सबका में पानी होता है नीचे जैसा मिलता है ना, तो शायद यहाँ पे भी वैसा मिल जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो वही काम चल रहा था, तो खुदाई हुआ था तब, तो उसी का जो है ना रोड का अभी फिर से वो ठीक कर रहा है। सो चलिए मैं पहले ये कपड़े उठा लूँ। सारा कपड़ा भी उठाना हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यहाँ पे। एक्चुअली पतला सा स्वेटर मैंने डाली है, तो अभी नहा के उठी हूँ ना, तो अभी ठंड लग रहा है नीचे से जो है ना, थोड़ा ठंड हवा भी आ रहा है। तो मैं अभी नीचे जाऊँगी, नीचे जाके देखती हूँ कुछ खाना खा लूँगी, क्यों नहीं खाऊँगी ना तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी खा लूँगी। सो मेरा पीछे देखिए पूरा दार्जिलिंग टाउन दिख रहा है, पूरा नहीं है एक्चुअली, ये मेरी एरिया का जो है वो दिख रहा है, और व्यू भी देखिए बहुत अच्छा खासा सा व्यू दिखाई दे रहा है मेरा पीछे। सो जो जो नहीं आए हो ना, जो मेरे साथ नए जुड़े हों, तो उनको मैं बता दूँ ये दार्जिलिंग है, तो जो जो आना चाहते हो तो आ जाइए दार्जिलिंग, आप सबको मेरे ओर से बहुत क्या बोलूँ, बस वेलकम टू दार्जिलिंग, अब आ जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसा पब्लिक की तो फ़ोन नंबर तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, मेरा फेसबुक आईडी भी दिया हुआ रहता है एंड इंस्टाग्राम भी रहता है, अगर आप कोई भी कुछ मैसेज भी करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो, और अगर कुछ भी जो कोई आना चाहते हो यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं वो भी आप सबको बता दूँगी। तो एक बार पहले आ तो जाओ, बहुत अच्छा जगह है, बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस है, और अगर कोई मतलब ठंड का मज़ा अभी लेना चाहता तो अभी आ जाओ, अगर समर के टाइम भी आ सकते हो, उस टाइम उतना ठंड नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, बट वेदर जो है उस टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए गाइस मैं अभी चलती हूँ नीचे, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाना खा लूँगी, वरना खुशी उठ जाएगी तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सबको तो पता है क्योंकि नानी यहाँ पे है नहीं, नानी चली गई है, तो मुझे उससे लेके सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे। गाइस मैं जस्ट अभी खाना खा के उठी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5:20, तो आप सोच सकते हो मैं लंच कब आज इतना लेट में मैं की हूँ। खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर क्या होता है ना, अगर मैं अभी नहीं खाती ना तो मुझे 7-8 बजे भूख लग जाता, और उस टाइम में खाने का टाइम मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम या तो मैं खुशी के पीछे रहती हूँ, या तो किचन में या तो होटल में देखना पड़ता है। सो मैं अभी सोच रही थी, खुशी अभी भी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत खा ही लूँ, तो जस्ट अभी खाना हो गया है, और खुशी के पापा खुशी के लिए ना कुछ भेजे हैं नीचे होटल से, सो मैं आपको दिखाती हूँ क्या भेजे हैं। ओके सो खुशी के लिए क्या भेजा है मैं दिखाती हूँ, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज क्या है ना, मेरा पास आप लोग को पता है मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, सो मैं ऐसे ही खुशी का एक डॉल है, डॉल का पीछे मोबाइल को रख के मैं ये कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ क्या भेजा है। ओके तो ये भेजा है एक जैकेट, देख पा रही हूँ ये खुशी के लिए, सो अच्छा लगा मुझे ये जैकेट, मैं खोल के दिखाती हूँ, ऐसा है अंदर में, ऐसा रुआ रुआ सा टाइप का कॉटन का है ना, तो ये अंदर में थोड़ा अच्छा वार्म होगा ये, तो ऐसा नहीं है कि किसी का जैकेट नहीं है, तो बच्चों का अपना जितना भी आप कपड़ा रखो फिर भी से कम ही पड़ता है। तो एक जैकेट मैं 4 दिन से एक जैकेट को मैं सुखा रही हूँ, सूख ही नहीं रहा है, फाइनली वो आज सूख गई है, जो हमेशा आप सब देखते हो उसको देखते हो पहनने के लिए, डेली यूज़ के लिए है ये, तो ये फाइनली सूख गया है। और एक है तो ये जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, हाँ तो वो ना थोड़ा सा उसका बड़ा होता है, तो वो उसको पहन के चलने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है, तो इसीलिए हस्बैंड ने फिर मुझको पूछ रहा था कि उसको जैकेट पहना दो, मैं बोली जैकेट सूखा नहीं है, जैकेट जो है वो गीला है, तो इसीलिए वो एक नया जैकेट ला दिया है।
सो मुझे ये अच्छा लगा, बट ना कलर भी बहुत प्रीटी है, बट क्या होता है ना बच्चों को इस कलर का कपड़ा देने से ना वो बहुत जल्दी गंदा कर देता है, अदरवाइज़ ये अच्छा लगा मुझे। तो इसका प्राइस वाइज मैं कुछ नहीं जानती क्योंकि ये हस्बैंड जी ने भेजा है, और ये है छोटू सा उसके लिए जुत्ती। सो ऐसा सूट भी है उसके पास, तो क्या बोलूँ, बच्चों का जितना भी हो उतना भी कम है, तो ये भी अच्छा लगा। तो ये दो भेजे हैं खुशी के लिए, और भेजा है, मैं इसको प्लास्टिक को मैं हाथ में नहीं उठाऊँगी वरना ये प्लास्टिक की आवाज़ से खुशी उठ सकती है, तो मैं दिखाती हूँ वो क्या है। ओके, तो ये है, ये देख पा रहे हैं, ये ढेर सारा ऑरेंजेस। सो ये है, भेजा है खुशी के पापा ने। तो अभी शाम हो गया है गाइस, और खुशी अभी भी सो रही है, मैं दिखाती हूँ। सो खुशी अभी तक सो रही है, तो मैं अभी बाहर का जो नज़ारा है, मतलब मेरे होटल से बाहर जो है वो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि अभी बाहर कैसा लग रहा है दिखने में। तो चलिए, सो ये है अभी बाहर का नज़ारा, ये खिड़की से दिखा रही हूँ मैं। शाम हो गया है, ऐसा भी दिखाने लायक कुछ है नहीं। है तो मर चुनो आंचे। सो खुशी अभी उठ गई है, ओ बाजी का हाय कर दो, हाय बोलो कैमन आचो, बोलो तो बाबा कैमन आचो। सो खुशी अभी उठ गई है, खुशी के लिए क्या क्या लाया है अभी खुशी देख लीजिए, बहुत खुश हो जाएगा। बाबा तो मतलब देखो पापा की आंचे उठ, देखो तो की आंचे, देखो तो वो जो देखो तो की आंचे। और खुशी यहाँ पे सोई थी, तो मैं भी यहाँ पे जस्ट ऐसे ही सोई थी। सो अभी खुशी उठ गई है, तो अभी मुझे बहुत सारा काम है। अभी खुशी को दूध गर्म करना है, खुशी को दूध पिलाना है, और पता नहीं और क्या क्या है। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा इस ब्लॉग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी अच्छा अच्छा ब्लॉग आप सबके लिए ला पाऊँ। सो गाइस आज की यहाँ पे सामने भाई बात कर रहे हैं, वो आवाज़ आप सब सुन पाओगी। सो गाइस अभी मैं इसके पीछे भी मुझे लगना पड़ेगा, सो मैं आप सबसे बात करना मेरे पॉसिबल नहीं है। सो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।